Good morning, dear students. Welcome to online classes of AN Academy. We complete uh, our first chapter up to page number 9, where the activities are given, and uh, stage of photosynthesis, page number 10. We complete this page number 10. Next topic is heterotrophic nutrition. यानी परपोषी जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है वैन वी अराउंड वी फाइंड मोस्ट ऑफ द प्लांट टू बी ग्रीन हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं बट सम प्लांट आर नॉन ग्रीन आज चलिए कुछ प्लांट जो होते हैं जो हरे नहीं होते हैं दीज प्लांट्स आर अनेबल टू मैन्यूफैक्चर देयर ओन फूड क्योंकि ग्रीन कलर नहीं होने की वजह से ये फूड ये प्लांट जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं सम प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बट द सॉयल इन विच दे ग्रो लैक सर्ट एन न्यूट्रेंट्स कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं लेकिन जिस ज़मीन में जिस जगह पर यह ग्रो करते हैं वहाँ की ज़मीन में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है सच प्लांट्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट और ऑन अदर लिविंग बॉडीज़ तो इस तरीके जो प्लांट्स होते हैं वो या तो ग्रीन प्लांट पर या दूसरे लिविंग बॉडीज़ जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज द हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो उस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हैट्रोट्रॉप आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देअर ओन फूड एंड हैव टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स टू ऑबटेन एनर्जी हैट्रोट्रॉप्स परपोशी ऑर्गेनिजम्स यानी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए एनर्जी के लिए वो दूसरे प्लाट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स प्लान्ट आर ऑफ़ फॉलोइंग टाइप्स अब उनकी फूड की हैबिट के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोटोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं उनके क्या टाइप्स होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे इसमें सबसे पहले आपके पैरासाइट्स आते हैं पैरासिटिक प्लांट्स आते हैं दूसरे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स तीसरे कार्निवोरस प्लांट और चौथा है सामबायोटिक प्लांट्स अगर हम पैरासिटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो ये परजीवी होते हैं सेप्रोफाइटिप की बात करते हैं तो ये मृत्युपजीवी होते हैं कॉर्नीवॉरस की अगर बात करते हैं तो ये मांसाहारी होते हैं समवायोटिक की बात करते हैं तो ये सहजीवी कहलाते हैं अब एक एक टॉपिक को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं पैरासिटिक प्लांट्स की अगर बात करते हैं ये प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट्स जिसे होस्ट कहा जाता है उसकी बॉडी पर लेते रहते हैं दूसरे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर और उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टेन करते हैं जैसे कसकटा जिसको देवदार भी कहा जाता है अमरबेल भी कहते हैं इसको ये जनरली डेवलप स्पेशल इस पेश, इस रूट्स इसमें क्या है कि बहुत स्पेशल रूट्स डेवलप होती हैं तो जो भी होट्स प्लांट होता है जिसके ऊपर ये ग्रो अप करती हैं तो उनकी स्टेम के अंदर ये घुस जाती हैं उनके टिश्यूज़ के अंदर और वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती रहती हैं और ये पूरे प्लांट्स के ऊपर पूरी तरह से छा जाती हैं मिस्टेलॉइड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं इनमें ग्रीन लीव्स होती हैं बट दे कैन दे कैरी आउट फोटोसेंथिस ऑन देयर ओन रिलिंग इन द होस्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर तो ये ग्रीन कलर के तो होते हैं खुद फोटोसेंसिस का प्रोसेस कर लेते हैं लेकिन ये डिपेंड दूसरे बॉडी के ऊपर जो डिपेंड करते हैं वो मिनरल और वाटर के लिए उन पर डिपेंड करते हैं तो इसके लिए इसको हम पार्सली पैरासाइट्स भी कह सकते हैं सेप्रोफाइट्स प्लांट जिसको हम मृतोपजीवी कहते हैं यानी कि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट जो होते हैं उन पर ये ग्रो करते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स को ओप्टेन करते हैं दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट यूजली वेस्टल बट कैन हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स सैफ्राफाइट्स ग्रो ऑन द डराइव एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिंट्स फ्राम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे जो तो ये जो डेड और डैडोडिकिंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उससे अपने फूड को ऑप्टेन करते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं चमकदार होते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे हैं जैसे मशरूम है सन स्नो ऑर्चिड है इंडियन पाई है ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी जो रूट्स होती हैं सेप्रोफाइट्स कंटेन फंग आ, फंगी विच आर कैपेबल टू तो, डाइजेस्टेड डाइजेस्टिंग डेड एंड डिंग मैटर इनके जो रूट्स में वो फंगस पाया जाए फंजाई पाई जाती है तो ये जो है रोटेन जो फूड होते हैं और डेड मेटल्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं और उससे ये न्यूट्रिएंट्स ऑप्टेन कर लेते हैं नेक्स्ट आपका कॉर्नीवॉरस प्लांट्स आता है जिसको मांसाहारी कहते हैं फ्यू प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स कुछ प्लांट्स जो है इंसेक्ट को खुवाते हैं क्योंकि कुछ है न्यूट्रिन जिस जगह पर वो लगते हैं जनरली मार्सिस एरिया जो होते हैं जल्दली ज़मीन जो होते हैं वहाँ पर ये उगते हैं तो वहाँ पर सारे न्यूट्रिन्ट्स इनको नहीं मिलते हैं तो उन न्यूट्रिंट्स की नीड न्यूट को फुलफ़िल करने के लिए इनकी जो कुछ पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और ये उन वहाँ पर इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और अपनी डिफिशियंसी जो होती है मेनली नाइट्रोजन की उसको फुलफ़िल करते हैं जैसे पिक्चर प्लांट है जैसे नाम है इसको हिंदी में कहते हैं कलश पादप क्योंकि इसका जो शेप होता है मटके के जैसा होता है ऊपर ढक्कन होता है इसमें जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है दूसरा पिक्चर वीनेस फ्लाई ट्रैप का है ये भी इसी तरीके से होता है जैसे इंसेक्ट जो है इनके माउथ पर आकर बैठता है क्योंकि इसमें क्या है कि एक स्टिकी सब्सटेंस जो होता है और वो इसमें से सीक्रेट होता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और जैसे बैठता है तो ऊपर ये इसमें जो ढक्कन लगा हुआ है ये जो ढक्कन है आपका ये एकदम से बंद हो जाता है ऐसे ये फ्लाई ट्रैप है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें जैसे ही इंसेक्ट्स जाके बैठता है तो ये पूरी तरह से बंद हो जाता है उसको ट्रैप कर लेता है और उसमें डाइजेस्टिव जूसेज जो होते हैं वो उसमें से उसको डिकम्पोज कर देता है और उसमें से न्यूट्रेंट्स वो शक कर लेते हैं और इस तरीके से अपनी नाइट्रोजन की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर लेते हैं नेक्स्ट <coughs> जो टॉपिक आता है सामबायोटिक प्लांट्स का आता है यानी सहजीवी इसमें एक्चुअली में होता है यह है कि दो डिफरेंट प्लांट्स जो हैं एक दूसरे के साथ में मिल कर के रहते हैं इसका जो बेस्ट और एक दूसरे को हार्म नहीं करते हैं वो क्या है कि एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं क्योंकि एक प्लांट जैसे राइजोबियम है ये लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स होती है उसकी नूडल्स में रहते हैं उनमें गांठें जो होती है उसमें रहते हैं तो राइजोबियम का काम क्या होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो राइजियम ये बैक्टीरिया होते हैं और जो प्लांट है प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में जो फोटो फूड इन सिंथेसाइज होता है न्यूट्रेन राइजोबियम उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और वो प्लांट्स को वो नाइट्रेट्स जो है उसको वो दे देता है तो इस तरीके से ये एक दूसरे की नीड को फ़ुलफ़िल करते हैं लीचेन इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है तो इसके अंदर एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करती है बट कैन नॉट एब्ज़ॉर्ब एंड वाटर लेकिन वो पानी और वाटर को एब्ज़ॉर्ब नहीं परकर, कर पाती है तो फंगस जो है पानी और मिनरल जो है उनको एब्ज़ॉर्ब करता है तो इस तरीके से एलगी जो है फंगाई को शेल्टर प्रोवाइड कराती जगह प्रोवाइड कराती इसलिए एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रह कर के एक न्यू नई तरह की बॉडी बनाती है उसको लीचेन कहा जाता है तो ये दो एग्जांपल्स यहाँ पर हैं आपके जो सम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में आते हैं यहाँ पर यह पिक्चर देख सकते हो ये एल्गी है ये फूड है फूड के ऊपर ये फंजा लगता है ये फंगस होता है और इस तरीके से तो ये दोनों जो हैं आपस में रह कर के एक दूसरे के साथ में रह कर के अपने फूड फूड को ओप्टेन करते हैं तो आज ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो बाकी का नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास Okay, thank you.